हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? और बाकी मेरा तो आप सभी को पता है मैं कहाँ पर हूँ। मैं हूँ इस समय हॉस्पिटल में और मम्मी की कंडीशन कुछ ऐसी है। अभी डॉक्टर आएंगे थोड़ी देर में। अभी तो नाश्ता वगैरह, मतलब शुगर वगैरह का ये जो ये सब चीज़ें देखो, ये सब चढ़ाया गया है और शुगर की टैबलेट दी है अभी थोड़ी देर पहले डायबिटीज़ की, और ब्रेकफास्ट वगैरह किया है और मम्मी अभी लेटी हुई है। बाकी और मुझको अभी भाई ये फॉर्म फिल करवाने जाना है, हमारे पैनल का फॉर्म है ये, तो ये फिल करवा के दोबारा से सबमिट करवाना है जिससे कि हमारी परमिशन आती है अथॉरिटी से ना, तो फिर इलाज स्टार्ट होता है। मिलते हैं आपसे, ये सारे काम करवाऊँ पहले। ओके ठीक ठीक तो अभी तो मम्मी का बीपी वीपी हो रहा है भैया, देखो चेक। अभी डॉक्टर को हमने इन्फॉर्म किया है, डॉक्टर गांधी को, सर कब तक आएंगे? अभी डॉक्टर रूटीन पहले डॉक्टर कब आएंगे? डॉक्टर भी डॉक्टर तो 11:30 11:30 बजे तक आएंगे, उससे पहले भी आ सकते हैं। ओके ओके, एग्जैक्ट तो टाइम नहीं पता। ठीक, ले लो दवाई, ले लो पहले। उठो उठो, तो बीपी वगैरह तो नॉर्मल आया है दोस्तों, दवाई दी जा रही है बीपी की। ओके गाइस, बीपी तो हो गया मम्मी का, बीपी आया बिल्कुल नॉर्मल। अभी तो बीपी की कोई खास इतनी प्रॉब्लम है भी नहीं। ये लो चप्पल पहनो और जाओ। तो बार बार यार ये डायबिटीज़ की वजह से शूशू बहुत आता है, तो मम्मी बार बार शूशू जाती है यार। तो गाइज अभी भाई मम्मी खा रही है खाना, लंच टाइम हो चुका है। ये देखो टाइम हो रहा है 1:00 बज रहा है। मैं अपना जो थोड़ा बहुत खाना था वो बाहर से खा के आ चुका हूँ भाई। और दोस्तों एक बात है कि यार मैं गया था डॉक्टर से मिलने, जो मेन सर्जन थे आज आए थे, उन्होंने थोड़ा सा डांटा भी यार कि आप लोग इतने टाइम तक क्यों नहीं आए। तो अब एक कोई स्पेशलिस्ट आएंगे, कैंसर स्पेशलिस्ट, वो बताएंगे कि क्या प्रोसेस है आगे का, कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी जो स्टेज है वो 4th स्टेज है। अब लेट्स होप फॉर गुड एंड बेस्ट। तो गाइस जस्ट अभी थोड़ा शाम के 6:00 बज रहे हैं अभी, मम्मी के कपड़े वपड़े चेंज किए हैं भाई, और बस कुछ नहीं, ये देखो मम्मी ये रही। और मैं जा रहा हूँ थोड़ी सी देर के लिए बाहर, कुछ काम है इसलिए। तो मम्मी देख रही थी मेरे को कि ये क्या करता रहता है। फिर उसके बाद जी मम्मी को फिर दोबारा ग्लूकोज वगैरह चढ़ जाता है, तो बार बार शू शू आता है, उनको बुलाते हैं फिर चेंज करते हैं फिर बुलाते हैं, ऐसे करती हैं मम्मी ना, वैसलीन लगा के। अब चेंज करके ठीक लग रही है देखो। तो चलो मैं भी चलता हूँ भाई बाहर, दिखाता हूँ बाहर क्या माहौल है इधर का। तो गाइस देखिए रात के टाइम बाहर से कुछ इस तरीके का लगता है, काफ़ी बड़ा बिल्डिंग नहीं है, सारी जितनी बिल्डिंग दिख रही है सारा ये हॉस्पिटल ही है, और अब तो न्यू बिल्डिंग भी बन रही है। और अभी मैं जा रहा हूँ एटीएम कुछ पैसे निकलवाने के लिए भाई। सो गाइस मैं एटीएम आ गया हूँ, ये देखो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं था। बैंक की ब्रांच भी रात में खुली हुई है और एटीएम भी, बैंक की ब्रांच रात में खुली हुई है ये बड़ा अजीब लगा देख के। बाकी चलते हैं और निकालते हैं अपने पैसे भाई, खर्चे पानी के लिए क्या करें भाई, पैसे बहुत लगते हैं क्या करें। चलो पहले निकलवाता हूँ फिर मिलता हूँ। तो ओके गाइस पैसे निकलवा लिए 500 रुपये, और अब मैं चलता हूँ सीधा बाहर। ये देखिए दोस्तों यहाँ एटीएम है, और यहाँ पर देखो अभी तक ब्रांच खुली हुई है, ओपन है, अंदर वर्कर्स भी हैं, मतलब काम चल रहा है,
ये बड़ा सही लगा मुझे देख के। और किसी जगह पे तो इतना लेट तक 7-8 बजे तक तो नहीं खुलती ब्रांच, है ना। तो ओके गाइज, अभी देखो पीछे मार्केट में है था हॉस्पिटल के सामने, और मम्मी के लिए लिए बनाना थोड़े से। वैसे तो हॉस्पिटल से आता है फ्रूट, पर फिर भी मैंने ले लिए। अब कोई स्वेटर या गर्म स्वेटर देखने आया हूँ मम्मी के लिए इस मार्केट में, देखता हूँ मिलता है या नहीं। तो गाइज, मम्मी के लिए फ्रूट लेने के बाद मैं आ गया हूँ यहाँ पर, जहाँ से कल खाना लेकर गया था, क्योंकि कल खाना इधर का बड़ा टेस्टी लगा था। तो सेम मैंने वही दाल फ्राई, जो अभी भैया कर रहे हैं दाल फ्राई, और इधर से लगवाएंगे 4 रोटी करारी। देखो ये है दयाल भाई की रसोई, ये नाम है, और ये मोती नगर मार्केट में है। फन सिनेमा से सीधी गली में आएंगे आप तो वहाँ पड़ता है। तो मुझको तो बहुत अच्छा लगा है भैया का खाना, बस मैं इधर से ही लेके जाता हूँ। अभी मैंने करवा लिया हाफ दाल फ्राई और ये रोटी लग रही है, तो लेते हैं, पैक करवाते हैं और फिर निकलते हैं सीधा मम्मी के पास। मार्केट ऐसे चल रही है इधर पर, देख सकते हो। हालांकि इधर पे और भी कई रेस्टोरेंट हैं, मतलब छोटे छोटे ढाबे वाबे नॉन वेज वगैरह के भी वहाँ सामने, पर मैं पहली बात तो इतना कॉस्टली नहीं कर सकता यार, मेरे पास काफ़ी तंगी है, तो मुझे सर्वाइव करना है। अभी जितने भी दिन मम्मी इधर पर रहती है ना एडमिट, उतने दिन सर्वाइव करना है, तो जितना हो सके पैसों को बचा के ही चलना है। तो इसलिए मैं नॉर्मली यहाँ से लेता हूँ रोज़ाना खाना, जहाँ से कल लिया था। ये भैया ने तो शायद रोटी निकाल दी हमारी करारी, ये देखो। और हाँ, कुछ खाना घर से भी आया हुआ है आज, तो आधा वो रहेगा और थोड़ा सा इधर के लिए इधर से लेकर जा रहा हूँ, तो मेरा आज का हो जाएगा काम। तो ओके भाई लोग, खाना वाना ले आया था, ये देखो ये रही रोटी, ये देखो ये रोटी है, और ये है दाल, ये दाल है, और मैं कर रहा हूँ अब खाने का, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है खाते खाते। बस जैसा है जो मिल रहा है अभी खा लो भाई, ये देखिए। मैं खाना फिनिश करता हूँ भाई, फिर मिलता हूँ, अभी मम्मी का भी खाना आने वाला है। तो गाइस, इधर पे मम्मी का भी खाना आ चुका है, देखो 8 बज रहे हैं और खाना आ चुका है। ये देखो खाने में क्या क्या देते हैं। इधर पे ये घिया की सब्जी है, घिया, ये है दाल, खीर और सैलेड, साथ में चपातियां देते हैं। तो मम्मी को कुछ खास स्वाद तो लगता नहीं है, पर क्या करें, खाना पड़ता है। पर ऐसे ही खाना खाने से तो शुगर कंट्रोल होता है ना, इधर पे देखो कंट्रोल हो रहा है, कितना ज़्यादा पहुंच गया था, 383 शुगर था, बताओ आप दोस्तों। और अब कंट्रोल है थोड़ा सा, सुबह तो 190 भी दिखाया था ना। तो ठीक है, मम्मी को खाना खाने देते हैं, अभी मैं भी खाऊंगा। मैंने वैसे खाया था एक आधी रोटी बाहर की, तो अभी घर से आया है आज खाना, वो भी खाऊंगा तो दिखाऊंगा आपको, खाता हूँ तो जब। तो ओके गाइज, तो ये देखो आज आया था भाई घर से खाना मेरे, इधर पर देखो पराठे और आलू गोभी की सब्जी, और ये तो बाहर भाई से ढाबे से जो लाया था वो दाल है। तो भाई अब मैं आराम से बैठ के खाना खा रहा हूँ, देखो, क्योंकि मम्मी ने खा चुकी है। उस समय मेरा खाना छूट गया था, मैंने खाया नहीं था, और मम्मी इधर पर परेशान है, मम्मी बार बार परेशान रहती है दवाइयों के लिए यार, ज़बरदस्ती। तो ठीक है दोस्तों, मैं अपना खाना वाना फिनिश करता हूँ, और बस इस ब्लॉग का भी एंड यहीं पर करता हूँ, क्योंकि रात हो चुकी है अब, क्योंकि सब लेट नहीं होएगा। तो बस लेटते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे कल, जो भी कल के दिन में होगा वो आपको बता दिया जाएगा। मम्मी को भी कह दो सब अलविदा, बाय बाय। मम्मी ने भी बाय बाय कर दिया।